नमस्कार दोस्तों, आशीष भाई के चैनल पे मैं उस्ताद अजय चौधरी। ये भाई आज कबूतर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो। ये क्या खासियत रहा है इसमें वैसे तो कुछ? वाह, क्या गोल्डन आईज में है, गोल्डन आईज है सारे। ये चौधरी वाले कबूतर है जी। अच्छा, ये अच्छा। कबूतर मेरे बनाए हुए हैं अपने, ये जोड़े में है, ये मादी ने, ये सारी मादे मादी देखो आशीष भाई जी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? तो दोस्तों आ गए आज उस्ताद जी की छत पे, आज उस्ताद जी की छत पे, और ये सारे आए, लाला भाई भी अपने। तो दोस्तों आज उस्ताद जी कबूतर का शौक कराएंगे, और साथ में ये भाई भी हैं। क्या नाम है भाई? विशाल भाई है, और साथ में है भाई आकाश, आकाश भाई हैं, अजय उस्ताद जी है, और भाई आपका नितेश भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये अपने लाला भाई। ठीक है, चलिए उस्ताद जी कबूतर शौक कराते हैं, फिर बाद में आप थोड़ा बैठ के भी बात करेंगे, उस्ताद जी से कुछ नुक्ते लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों लॉफ्ट देखिए पहले उस्ताद जी का, क्या जबरदस्त लॉफ्ट है भाई। वन साइडेड लॉफ्ट है, एक तरफ से बना हुआ है, पूरी बड़ी सी छत है, आपने बहुत सी वीडियो में देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पहले लॉफ्ट से कुछ पंजाबी कबूतर का शौक कराते हैं भाई। फर्स्ट इनाम मारा था ऑल इंडिया में डे नाइट में उस्ताद जी ने, वो जो डाटा भी है वो भी मैं स्क्रीन शॉट में डाल दूंगा अभी। तो चलिए अंदर कर चल कुछ दिखाते हैं, तो उस्ताद जी दिखाएंगे अपने कुछ कबूतर बढ़िया दोस्तों। हाँ, तो ये पंजाबी पहले ओवरऑल देख लो पहले, हाँ फिर एक दो कुछ पकड़ के आपको शॉक करा देंगे जो उस साइड है, क्योंकि लॉफ्ट में कबूतर थोड़ा डरते भी हैं, और आएगा भी नहीं, और देखिए इधर से उधर तक पूरा, क्या जबरदस्त है। ठीक है, पंजाबी ये थोड़ा साइलेंट रहते हैं, शांत रहते हैं, नहीं तो मद्रासी होते तो भाई दिक्कत कर देते। ये सारे नए पट्टे हैं, कुछ उड़े हुए भी हैं, सारे मिला के रोप रखे हैं, कबूतर ही ना, ये लाल सारे हिला लिए हैं, हाँ सारे हिला के रोप रखे हैं। चलिए पहले उसमें चलते हैं कुछ, फिर इनमें से कुछ पकड़ के आपको दिखाएंगे, क्योंकि लॉफ्ट काफी है, कबूतर भी एक से एक आपको देखने को मिलेंगे। ये कबूतर हुए हैं जो उड़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, ये सारे उड़ रहे हैं अभी, ये सारे उड़ा के उड़ते हैं, सारे उड़ने वाले। वैसे मोहर वाले कितने हैं? मोहर वाले लगभग सभी हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट सारे ही हैं, सारे ही हैं। तो सर अच्छा, मद्रासी एक भी नहीं है टोटल, मद्रासी हटा ही दिए टोटल है, जो उस्ताद जी के गीता बबीता भी सुने थे वो सारे हटा दिए। ये लाल डब वाला देखिए एक बार दोस्त, और ये फुलसरों का जोड़ देखिए पीकेओ में, ये ना रहना सारे। हाँ, जो 29 घंटे वाले हैं वो दिखाइए पहले, तो फिर उस्ताद जी से पूछें क्या खासियत है उसमें। ऐसा नमस्कार भाई, हाँ ये भाई शौक कराएंगे, ये कबूतर है भाई जो 24 घंटे बना रहा उस्ताद जी का। अच्छा, इसे गोल्डन चल रहा है, ये गोल्डन के नाम से मशहूर है कबूतर। ये कबूतर 7:13 में कबूतर बैठा था। अच्छा, फड़क कितने बजे की थी इसकी? नॉर्मल फड़क है, नॉर्मल बता। नहीं, सुबह कितने बजे उड़े थे फड़क? 7 बजे उड़े थे, 7 बजे उड़े थे बाजी में, जो डे नाइट वाले में, बाजी में डे नाइट। ठीक ठीक ठीक, इसकी नॉर्मली फड़क खुद के सुबह बैठता था, 4 बजे 5 बजे 4:30 बजे सुबह ही बैठता था कबूतर। अच्छा, हर फड़कों में सुबह बैठता था कबूतर, 4 बजे 3 बजे 5 बजे ऐसे बैठा, कोई फड़क नहीं। अब जो कबूतर हमारा कैंसिल हो गया था सुबह बैठा था, ये 29 घंटे उड़ा था कबूतर। अच्छा, ये थोड़ा टाइमिंग में दिखने में 29 घंटे, सुबह 7 बजे को करा, मतलब सुबह फिर अगले सुबह समझ लो सुबह बैठा। वाह भाई, 7:13 में दोस्तों सच में उड़ान इनके टक्कर का तो कोई दे ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, मद्रासी भी नहीं दे पाए आज तक इनके टक्कर की उड़ान। सारे ही कबूतर टुकड़ी में उड़ते हैं, सारे टुकड़ी चिपकड़ी वाले। तो बाकी उस्ताद जी का कुछ नुक्ता भी है, टुकड़ी बना के उड़ते हैं, क्योंकि सब तो उड़ा नहीं सकते भाई। सारे नर कबूतर है, ये लाल फुलसरी कबूतर देखिए, कल चोची मादी ने, सॉरी नर, ये पकड़े दिखाओ इसके जबरदस्त पलके, इसकी अच्छी ले रही है, काली पलकों की है। हाँ, इनका तो पंजाबियों में थोड़ा
सेम ही वजूद होता है, सेम चेहरा होता है, तो थोड़ा कल देखने में भी लगता है कि मदर हम मदासी तरह सोचे तो सब लगता है मादिनी है सारी। हाँ खुरेज पे आ रहे हैं क्योंकि अभी जनवरी का टाइम चल रहा है। ये सफेद आंख का कबूतर दिखाना है, छोटी आंख का देखिए। बाकी तो सनलाइट में कुछ दिखा देंगे, धूप अच्छी है आज, ठीक है। कुछ बाहर दिखाते हैं पकड़। ये देखिए दोस्तों, अब ये जो बारीक पीले ना और जर्रापन है आंखों में, देखिए क्या बस चमक देखिए। बहुत शानदार है। बाकी और भी है, दिखाते हैं धीरे धीरे। ये कुछ है दोस्तों, ये देखिए आप, ये सारी मादिने हैं। कुछ मादिनों का भी शौक कराते हैं आपको पकड़ के। ये सारी मादिने, देखिए कल्चरी सी मादिन है, देखिए जबरदस्त। पंजाबियों में भी सारे कलर मिल जाएंगे आपको, लाल भी, सफेद भी, डब वाले, कल्चरे भी, दुबाज भी, देखिए। और देखने में बड़े ही छोटे, मतलब शांत स्वभाव कबूतर है। ये देखिए चिट्टी सफेद आंखों की मादिन है ये, इसकी भी आपको आहुआ शौक कराएंगे। ये दर्चों में देख लीजिए, ये मकोए में देख लीजिए। तो मादिनों का ज्यादा अच्छा रिजल्ट था या फिर में नरों का था? अप्रोक्स बराबर ही था, 14 घंटे 15 घंटे 17 घंटे खुद की उड़ानी थी, सारे उतना उड़ रहे हैं सारी। अभी तो पर झाड़ रखे हैं सारों परों में, हाँ क्रोच में है अभी, क्योंकि अब नई वाली बाजी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इधर सारे जितने आपके दो तीन लॉफ्ट में दिखाए थे सारे उड़ने वाले थे, अब जोड़े वालों में आ जाते हैं। जोड़े हटा रहे हैं, ये सारे जोड़े अभी काट रखे हैं। और इनमें देखिए आपको एक से एक कलर देखने को मिलेंगे, ये देखिए। इसमें लाल आपको दिख जाएंगे, भौरे सुंदर कबूतर, देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। सारी फीमेल्स है ना, उधर सारी मेल है। ये कासनी मादिन देखिए, ये पीली मादिन है, पंजाबियों में पीली, चटक बहुत है इसमें, मदरासी का अंश लग रहा है। चौधरी वाले कबूतर दिखाता हूँ। जी जी उस्ताद जी दिखाइए। अच्छा दोस्तों, आशीष भाई के चैनल पे मैं उस्ताद अजय चौधरी, ये भाई अपने कबूतर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो। ये क्या खासियत रहा है इसमें वैसे तो कुछ? वाह क्या गोल्डन आईज में है, गोल्डन आईज है सारे। ये चौधरी वाले कबूतर है जी। अच्छा ये अच्छा। कबूतर मेरे बनाए हुए अपने, ये जोड़े में है, ये मादिन है, ये सारी मादिन है, सारी फीमेल्स हैं। अभी तो ब्रेक कर रखा है सारा, जोड़ों से तोड़ रखा है, कच्ची पीली। ये नस्ल आशीष भाई जल्दी से मिलेगी नहीं आपको कहीं देखने? बिल्कुल बिल्कुल, लाल भौरे जल्दी से नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे लेकिन जल्दी नहीं मिलेंगे, जल्दी नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे तो उड़ान नहीं होगी, उड़ान नहीं होगी, इनमें उड़ान है, इनमें प्योरिटी है, उड़ान भी है, सबसे बड़ी बात है। हाँ एक जोड़ा इनमें खरीद के आया हुआ है, वो दिलवाया था किसी भाई यार दोस्त ने, बाकी सब मेरे घर के हैं। सारे कच्ची पीली आंख के, सारे कच्ची पीली आंख के हैं। ये सफेद आंख की मादिन है, सफेद आंख की मादिन है, जर्रापन देखिए। सनलाइट में तो और इसकी धूप में आंखें निखर के आती है एकदम, एक नंबर की। हाँ हाँ दिखा देंगे, अभी अलग वीडियो बना देंगे, भौरे भौरों की, लाल भौरों की अलग एक वीडियो बना देंगे स्टोरी टाइप की। ये पीली मादिन देखो आशीष भाई, ये कलर भी बहुत कम मिलता है, कच्ची पीली। हाँ मद्रासी में तो देखा था हमने, पंजाबियों में नहीं देखा था।
उड़ान भी प्रॉपर वही दे रहे हैं, वही टक्कर है प्रॉपर उड़ान। उड़ान की तो कितनी नहीं है आशीष भाई, तो लाल भवरे और पीलो में सबसे ज्यादा इन्होंने कितने घंटे की उड़ान दी थी उस टाइम? बढ़िया है, दे देते 20-20 घंटे की उड़ान। 20 घंटे दे दिया है, 20 घंटे 22 घंटे। अरे वाह, बहुत जबरदस्त। ये देखो, इसीलिए तो ऑल इंडिया चैंपियन कहलाते हैं अब। सारी वही आंखें हैं, कच्ची पीली आंख। भाई YouTube पे कमेंट भी बड़े उल्टे सीधे आते हैं, लेकिन जिस भाई लोगों को जिसको नॉलेज नहीं है वो तो बोलेगा ही। जिसको नॉलेज होती है उस्ताद जी, वो शांत और सब कुछ देखता रहता है, वो बोलता नहीं है। ऑन रिकॉर्ड उड़े हुए कबूतर जो पल्ली तरफ भी आपको दिखाए, तो आपको पर्चा भी दिखाया जाएगा अभी। अभी दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट डाल देंगे पर्चों में। क्या जबरदस्त है, बहुत शानदार। पीले सच में तो सादो जी पंजाबी में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत जबरदस्त है। ये देखा ग्रीन आइस, ये देखो। तो इसमें एक जोड़ आया था, बाकी सब आपने घर पे बनाया है? हाँ, कुछ कबूतर घर के बने हुए, कुछ घर के आए, कुछ लाए हुए। ये देखो हरी आग की कबूतर, ये देखो ग्रीन आइस, सनलाइट में और चमकती है आंख इसकी। ये गिरा हरी आग का, अरे ये है प्योर ग्रीन आइस, वो भी ग्रीन आइस है। हाँ वो भी है। तो आशीष भाई कुल मिला के बात ये है कहने की कबूतरबाजी जो ना ये खेल लिए बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त डायलॉग है ये। और कबूतर से प्यार भी करो, कबूतर को उड़ाने के टाइम पे उड़ाओ और इसकी खिलाई पिलाई भी करो। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी नस्ल का ही कबूतर उड़ेगा वो तो है। ये गधे घोड़े में फर्क तो होता ही है, बहुत फर्क होता है। और जमीन बहुत फर्क है, जमीन आसमान, जमीन आसमान का फर्क है। चलिए कुछ नर का भी शौक करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये नर है आशीष भाई, ये मेरे सारे जोड़े वाले कबूतर हैं। देखो ये देखिए, क्या जबरदस्त चेहरा और आंखें देखिए, क्या कबूतर है यार, इनकी बॉडी लाइन देखो ना। लोगों को देखने के लिए नसीब नहीं होते ऐसे कलर, नहीं देखने को मिलते सफेद फुलसरे कलपरे, ये सब तो हर जगह देखने को मिल जाते हैं। और मिलते भी हैं किसी के छत पे, एक आध मिल जाएंगे, सब चेक करे हुए हैं, सब की 1000% गारंटी, इनके बच्चे इतने उड़ते आते भाई। इसीलिए तो उस्ताद ने सारी मदरासे हटा दी, एक भी देखने को नहीं मिल रहा। बहुत शानदार, ये मेरे बड़े कबूतर है, ये कलर देखो क्या कलर है आशीष भाई, इनका कलर देखो, ये देखो दोनों पीला देखो, दोनों भाई हैं सगे। तो इस बार लग रहा है डे नाइट में और तहलका होने वाला है आने वाले में। अभी तो गर्मी आ रही है, गर्मियों तो गर्मियों का पड़ेगा, लेकिन गर्मियों में कहाँ, अनलिमिटेड तो शायद मुश्किल ही उड़ेगा, उड़ जाएगा, उड़वा देंगे तो हाथ में उड़वा देंगे तो और मजा आ जाएगा। गर्मियों में भी अच्छा शौक हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा दिक्कत हो जाती है लोगों को बैठना। नहीं गर्मियों में भी जो है आशीष भाई बहुत ही अच्छी उड़ान है, इस बार अच्छा उड़ान है। अभी एक जब एक कप उड़ा था स्विफ्ट गाड़ी का, वो इन्होंने ही जीता, इन कबूतरों ने, पंजाबियों ने। अच्छा, वो गर्मियों को मैं जीता था मैंने, उसका भी ऑन रिकॉर्ड है, वो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी है। और उस्ताद जी का यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों, वो भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसमें सारे नुक्ते उस्ताद जी बताते रहते हैं दोस्तों। एक कबूतर नहीं है, ये बवाल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, और मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद अजय चौधरी के नाम से, उस पर बड़े सब्सक्राइब करें और जाके देखें, सारे नुक्ते एक से एक अच्छी जानकारी मिलती है कबूतर को तैयार करने के लिए। जो ठंडे पानी है वो है, वो सारे मैंने उसमें बता रखे हैं, रिलेटिव सारे। तो आशीष भाई आज हमारे पास आए हुए हैं, मौका दिया, ये बड़ी बात है मेरे लिए। आशीष भाई ने जो हमारे चैनल के लिए प्रमोट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करी है, जरा उस पर भी गौर करना। ये देखो जी, ये देखो दोस्त, पीली आंखों में है,
आशीष भाई हमारे चैनल की आप जो लिंक डाल देना इसमें। बिल्कुल, मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा और सबका नंबर भी डाल दूंगा। किसी को अगर उस्ताद जी चाहिए हो कुछ कबूतर जैसे इनमें, तो वो सेल भी मिल जाएंगे या शौक के लिए? नहीं, मैं सेल नहीं करता, तो सेल नहीं करते हैं, इसलिए दोस्तों उसके लिए फोन मत करना। सकता हूं। सिर्फ आप शौक कर लीजिए और कोई भी सहायता चाहिए तो उस्ताद जी से आप पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प कर देंगे। भाई वो कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं जो कबूतर जो उड़े हुए हैं मेहनत से बने मेरे पास। ये देखिए पीला मद्रासी, गुलाब सरा, सॉरी ये देखो पंजाबी पीला। मद्रासी में तो बहुत देखे होंगे लेकिन आपको पंजाबी में नहीं देखने को मिलेगा। इसकी बैठक और दिखाऊंगा अभी ऊपर बैठा। ये देखो इस कबूतर को देखो, ये देखिए लाल सरा। क्या कबूतर है आशीष भाई, जो भी आपको कबूतर दिखाया जा रहा है ना आपके चैनल पे, वो कबूतर क्या बवाली दिखाया जा रहा है? बवाली है सारे। हाँ। क्योंकि अगर ऑल इंडिया चैंपियन है तो फिर तो सब इन्हीं से हुए हैं, क्योंकि मेरे पास पहले मद्रासी कबूतर थे सब हटा दिए। सोच लीजिए मद्रासी उस्ताद ने सारे हटा दिए, जो आपने की तब अभी तक उसको भी हटा दिया, सब हटा दिए। सोचिए क्या चीज होगी इनके लिए। ये देखो दोस्तों लाल चीरा कबूतर, और एक कबूतर ये देखो मतियाला कबूतर भी देखो, पंजाबियों में काला मतियाला। ऐसी आपके पहले मद्रासी हुआ करते थे, इन्होंने नाम बहुत कमाया था, किसी के पास नहीं था ऐसे मकियाले मद्रासी। ये आशीष भाई जो पीले कबूतर वो देखो, ये जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा ये है कच्ची पीली आंख में, देखो क्या कबूतर। देखिए ये हरिया का ग्रीन आइस का ये कबूतर भी देखो। हाँ ये भी ग्रीन आईज में छोटी चोच का है दोस्तों। देखो इनके बच्चे बहुत उड़ते हैं मेरे पास, और ज्यादातर जो है ना घर की ब्लड लाइन ही मैं रखता हूँ, बाहर के बहुत कम ही आते हैं। बाहर के बहुत कम, जैसे जीतू भाई अपने वो कभी कभी पहुंचा देते मेरे पास कबूतर, उनसे भी बहुत प्यार मोहब्बत है जीतू भाई से भी अपना। तो ताकि अच्छे अगर पंजाबी कबूतर की पहचान करनी है तो कुछ बताइए दोस्तों को हमारे चैनल पे भी कैसे करेंगे, क्या चीज देखनी चाहिए अगर अच्छा पंजाबी उड़ने वाला। देखो मेन चीज होता है कबूतर का स्टेचर, बॉडी स्टेचर। अगर कबूतर आपका दरमियाना है तो वो कबूतर बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा। आप ना तो ज्यादा बड़ा कबूतर इतना अच्छा उड़ता है ना ज्यादा छोटा उड़ता है, मीडियम साइज जैसे बोलते हैं दरमियाना, वो आप कबूतर जो है ना उसे कबूतर को आप उड़ा भी सकते हो और जोड़े में भी डाल सकते हो। ये देखो इस कबूतर का पर देखो, बाकी परों का कुछ महत्व रहता है इनमें? हाँ परों में चौड़े पर पतले पर ये भी कबूतरों की एक नस्ल है, लेकिन आप अपने कबूतरों का जब पर देते हो तो उनके चौड़े पर भी ला सकते हो, ये आपके हाथ में। अच्छा ये अपने हाथ में ही होता है, वो खिलाने पिलाने से कुछ होता होगा? खिलाई पिलाई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें मायने रखती है। बिल्कुल, वो जब इस फील्ड में घुसोगे आप। ये देखो एक बार, ये देखिए बैठक देख लीजिए, तो दोस्तों ये पर्चा है उस्ताद जी का, ये देखिए जो अभी ऑल इंडिया का उड़ा था, और ये देखिए सारा रिकॉर्ड देखिए दोस्तों, वही ओरिजिनल पर्चा है दोस्तों, ठीक है ना उस्ताद जी? दोस्तों ये ओरिजिनल पर्चा है, कोई फेक पर्चा नहीं है। 24 घंटे जो कबूतर उड़ा उसका 24 घंटे आप इसमें भी देख सकते हैं, 24 घंटे 13 मिनट ही रहा, जबरदस्त। और ये सुबह 7 बजे की फड़क थी सारी, ऑल इंडिया में नो लिमिट जो कप उड़ा था। सेकंड टाइम हमने फर्स्ट मारा इसमें, उल्लास भाई कराते हैं कलकत्ता से, कलकत्ता से ऑल इंडिया कप जोड़ता है, दिल्ली कप में भी और ऑल इंडिया में, बहुत शानदार। ठीक है,